प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर अहम बयान दिया है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि राहुल की अगुवाई में काम करने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अगर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वो सबसे आदर्श चुनाव होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जवाब देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर चुटकी लेते हुए बयान दिया है कि क्या वो पहले से ही राहुल गांधी के नेतृत्व में काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी की तारीफ में दिए गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है कि देश राहुल गांधी को नेता के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जोर देकर कहा कि मैं एक खुली किताब हूं। मनमोहन सिंह ने कहा कि उनकी संसद से कुछ भी छुपाने की मंशा नहीं है। मनमोहन सिंह ने यह बयान रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश वापसी के दौरान दिए। मनमोहन ने एयर इंडिया के अपने विशेष विमान में संवाददाताओं से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर अर्थव्यवस्था को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा और कहा कि मनमोहन सिंह डॉक्टर ऑफ फाइनेंस हैं लेकिन रुपया अस्पताल में है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीरिया संकट पर नपीतुली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीरिया में कोई भी कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के तहत की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान दौरे पर सवाल टालते हुए कहा कि वो जब नवाज शरीफ से मिलेंगे तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान आतंक पर नकेल कस रहा है। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की अहम बैठक होगी जिसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज ने भी संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत से अपना विरोध दर्ज करवाया है। दोनों ही नेता मोदी को विधानसभा चुनाव से पहले पीएम उम्मीदवार बनाने का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि बीजेपी का पीएम उम्मीदवार कौन होगा इस पर पहले से ही आरएसएस का रुख स्पष्ट है। बीजेपी खुद अपने नेता का चुनाव करेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये टिप्पणी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेताओं की दो दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक से पहले आई है। इस बैठक में बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। मोदी को उनके समर्थक जल्द से जल्द पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी की जयपुर रैली का भी बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता इस रैली में मुसलमानों को भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाना चाहते हैं। कुछ हफ्ते पहले गुजरात से आए सैकड़ों अल्पसंख्यकों ने अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लिए मन्नत मांगी थी। 10 सितंबर को जयपुर में होने जा रही नरेंद्र मोदी की आम सभा में अंजुमन कमेटी के खादिम उनका इस्तकबाल करेंगे। अजमेर से 300 से ज्यादा अल्पसंख्यक जयपुर की आम सभा में शरीक होंगे। वैसे नरेंद्र मोदी का फिलहाल अजमेर आने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन खादिम समुदाय के कुछ लोग जयपुर में होने वाली आम सभा में उनकी अगवानी करेंगे। सीपीएम के महासचिव प्रकाश शुक्रात ने कहा है कि लेफ्ट का पहला लक्ष्य यह है कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पराजय हो। अगले लोकसभा के चुनाव के पहले या बाद में कांग्रेस को समर्थन देने के मुद्दे पर सीपीएम के महासचिव प्रकाश शुक्रात ने कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो दिन के नालंदा दौरे पर सर्किट हाउस का उद्घाटन किया और 7 लाख की लागत से बनी सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। आगे दिनों में बीजेपी ने घोषणा की थी कि गुजरात में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी जिसका लोहा नालंदा के किसानों से लिया जाएगा। आपराधिक मामलों में 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा काट चुके सांसदों के निलंबन संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाया गया सुधार बिल राज्यसभा में अब तक पास नहीं हो पाया है। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने एक बार फिर कहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है और पाकिस्तान को उसे भारत के हवाले करना चाहिए। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि उन्हें अपनी सभी सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा विश्वास है और वो बेहतर काम कर रही हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में दो गुटों के बीच हुई हिंसा के बाद 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए सेना को बुलाया गया है। मुजफ्फरनगर जिले में 2 समुदायों के बीच नए सिरे से भड़के संघर्ष में टीवी चैनल के एक पत्रकार समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 34 घायल हुए।
अखिलेश के कमान संभालने के बाद यूपी में करीब 27 हिंसक घटनाएं हुई हैं। इनमें मथुरा के पास कोसी कला, बरेली और फैजाबाद की घटनाएं काफी बड़ी थी। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद अखिलेश यादव ने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान मत दें। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने माना है कि देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। शिंदे ने देश के सभी नागरिकों से सद्भावना बनाए रखने की अपील की है। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सभी राज्यों को आगाह करते हुए उनसे अलर्ट रहने का आग्रह किया है। शिंदे ने लोकसभा चुनाव से पहले शांति में रुकावट डालने के सभी प्रयासों का विरोध करने की अपील की है। आज जंतर मंतर पर व्यवस्था परिवर्तन रैली होगी। भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री केवी थॉमस ने कहा है कि अगले 15 से 20 दिन में दक्षिणी राज्यों से प्याज की नई फसल आने के बाद कीमत घट जाएगी। जमानत पर छूटने के बाद यूपी के सीतापुर से विधायक महेंद्र सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया। पिछले महीने महेंद्र सिंह को गोवा में कॉल गर्ल्स के साथ पकड़ा गया था। महेंद्र सिंह के समर्थकों ने बंदूकों और हथियारों के साथ स्वागत किया। यूं लगा मानो महेंद्र सिंह कोई बहुत महान काम करके जेल से छूटे हों। कॉलगर्ल के साथ गोवा में पकड़े गए उत्तर प्रदेश के विधायक महेंद्र सिंह को पिछले सोमवार को जमानत मिल गई थी। सीतापुर से विधायक महेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और वो 2 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर थे। आसाराम के बेटे नारायण साई की एक और करतूत सामने आई है। विवाह के मंडप में आशीर्वाद देने गए नारायण साई ने अपने हाथों से लड़की की मांग में सिंदूर भरा। नारायण साई का ये वीडियो 14 साल पुराना है। लड़की लंदन की ही रहने वाली थी और साल 1998 में लंदन में लड़की से मुलाकात के बाद हिंदुस्तान आ गई थी। आरोप है कि नारायण साई खुद लड़की को बहला फुसलाकर लंदन से हिंदुस्तान लेकर आए थे और शादी करने की तैयारी में थे। जब परिवार नहीं माना तो शादी अपने चेले से करवा दी, लेकिन आश्रम का सच जानने के बाद लड़की लंदन चली गई। कुशीनगर में यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुस्साए लोगों ने आसाराम के पुतले भी जलाए। एक तरफ जहां आसाराम को कड़ी सजा दिए जाने को लेकर उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक इंदौर आश्रम में उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिए हवन पूजन में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने राजा नंदगांव में विजय गजभैये नाम के एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने सरकार से प्रोत्साहन राशि पाने के लालच में अब तक करीब 5,000 से ज्यादा शादियां की हैं। दरअसल अनुसूचित जाति के लड़के लड़की के बीच होने वाली अंतर जातीय शादी पर प्रोत्साहन राशि के तौर पर पति पत्नी को 50,000 रुपया दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक विजय इसके लिए हर बार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में किसी लड़की के साथ कोर्ट में शादी करने का दस्तावेज पेश करता और फिर शादी के उस प्रमाण पत्र के सहारे योजना की राशि उठा लेता। उत्तराखंड में आई तबाही के 2.5 महीने बाद भी लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। केदार घाटी में 68 और लाशें मिली हैं। सभी लाशें सफाई के दौरान बरामद हुई। पिछले 3 दिनों में 166 से ज्यादा शव मिल चुके हैं। 16 जून को उत्तराखंड में बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश और भूस्खलन में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। हरियाणा के यमुनानगर में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक महिला के घर में घुसकर मकान पर कब्जा करने की कोशिश की और जबरन घर में 3 फीट की दीवार खड़ी कर दी। महिला ने तुरंत अपने बेटे को बुलाया, लेकिन बदमाशों ने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाना पड़ा। मामले की डीएसपी के दखल के बाद अवैध दीवार को गिराया गया। मौके से सभी बदमाश फरार हो गए। थाना प्रभारी संदीप कुमार और चौकी इंचार्ज ऋषि पाल लाइन हाजिर। महाराष्ट्र के गोंदिया में 2 बच्चों को विटामिन ए की दवाई की जगह एसिड पिलाने का दर्दनाक मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी की एक महिला ने गलती से 2 बच्चों को एसिड पिला दिया। बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। बिहार के गया जिले में पुलिस ने बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। पुलिस को तलाशी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में 3.70 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू हो गई हैं। इसके पहले 25 जून को सीएनजी के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। सीएनजी के साथ साथ पीएनजी यानी कि प्रोसेस नेचुरल गैस की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी का दाम अब 41.90 रुपए से बढ़कर 45.60 रुपए किलो हो जाएगा। रुपए की घटती कीमत की वजह से गैस कंपनियों को यह कदम उठाना पड़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी जंतर मंतर पर 1 दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे। अधिकारी स्टेट बैंक मैनेजमेंट की मनमानी नीतियों से नाराज हैं।
नए भूमि अधिग्रहण बिल के पास होने के बाद निवेशकों ने कहा है कि इससे पहले इससे भारत में बिजनेस में और ज्यादा कठिनाइयां होने वाली है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि रुपए की मौजूदा हालत पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। चिदम्बरम ने कहा कि रुपए पर अज्ञात कारणों का असर पड़ रहा है। साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग का गैलेक्सी नोट 3 मोबाइल सेट हिंदुस्तान में सितंबर महीने के अंत में लॉन्च होगा। स्मार्टफोन के फैंस को नोट 3 का इंतजार है। कैबिनेट केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि कई बड़ी कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इसके बजाय जेनेरिक दवाओं की खरीद की जाती तो 11 करोड़ 81 लाख रुपए की रकम बचाई जा सकती थी। सोनी चैनल पर आने वाले रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 7 को अपना पहला करोड़पति मिल गया है। उदयपुर के रहने वाले इतिहास के टीचर ताज मोहम्मद रंगरेज शो के पहले करोड़पति हैं। मशहूर ऑर्केस्ट्रा संचालक जुबिन मेहता ने कल शाम कश्मीर में डल झील के तट पर मौजूद शालीमार बाग में शो किया। काफी लोकप्रिय धुनों पर उन्होंने वहां मौजूद 2000 लोगों को मंत्रमुग्ध किया।